गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशांक मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि इस लॉकडाउन के टाइम में आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो कॉलेज और बोर्ड की तरफ से निर्देश के अनुसार ऑनलाइन कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं शशांक मिश्रा आपको सिविल सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है BMEE यानी बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिक ये जो सब्जेक्ट है हमारा, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो हिस्सा है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है और जो सेक्शन बी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ठीक है, सेक्शन ए में जो मैकेनिकल के जितने भी पार्ट हैं उसको मैं पढ़ाऊंगा और बाकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है उसको राजेश सर जो है वो पढ़ाएंगे। ठीक है, जो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है इसमें, इस सब्जेक्ट में, इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में जो है इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इस मैकेनिकल हिस्से को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ये मैकेनिकल का पहला हिस्सा है थर्मल इंजीनियरिंग यानी ऊष्मी इंजीनियरिंग से कहते हैं। दूसरा होता है मशीन कंपोनेंट यानी मशीन में उपयोग होने वाले सभी उन हिस्सों के बारे में जानकारी देना। अगला है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब होता है स्नेहन यानी कोई मशीन अगर हमारी कार्य कर रही है तो उसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन के कारण कंपोनेंट हमारे खराब हो सकते हैं, इसलिए हमें लुब्रिकेशन के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। अब हम आते हैं अपने थर्मल इंजीनियरिंग के सेक्शन में। बात करें तो ये थर्मल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो चैप्टरों में विभाजित किया गया है। पहला है सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है फ्यूल्स। फ्यूल्स बोले तो मतलब फ्यूल्स के अगर बारे में बताएं तो इसे ईंधन कहते हैं, और दूसरा पहला होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे हमें एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी कितने टाइप की होती है और एनर्जी को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, और जो भी होगा सब इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरा है चैप्टर फ्यूल्स। फ्यूल्स मतलब ईंधन। ईंधन ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, ठोस ईंधन, लिक्विड ईंधन और गैसीय ईंधन। ईंधन का कैसे उपयोग करके किस ईंधन से कितनी ऊष्मा हमें मिल सकती है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला है मशीन कंपोनेंट। मशीन कंपोनेंट वाले सेक्शन को विभिन्न प्रकार के चैप्टरों में विभाजित किया गया है, जैसे पिंस और ज्वाइंट। पिन होती क्या है, ज्वाइंट्स क्या होते हैं। दूसरा की माने कुंजी। तीसरा शाफ्ट, कपलिंग, गियर और स्प्रिंग, इन सब के चैप्टरों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा कि शाफ्ट, कपलिंग, गियर्स वगैरह का जो यूज होता है एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से पावर ट्रांसमिट करने के लिए। स्प्रिंग्स जो हमारी होती हैं ये जल यानी झटकों को सहन करने के लिए बनाई जाती हैं। की और शाफ्ट, की का मतलब उपयोग होता है अगर हमें एक शाफ्ट को किसी शाफ्ट दूसरी शाफ्ट से जोड़ना है या उसके भी सापेक्षिक गति को बनाए रखना है तो सापेक्षिक गति को बनाए रखना है तो उसके स्थान पर क्या होता है, यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं लुब्रिकेशन की, तो लुब्रिकेशन वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है डिफिनीशन यानी लुब्रिकेशन की परिभाषा, उसके प्रकार और उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और उस लुब्रिकेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे सिलेबस के बारे में जानकारी दी हुई है जो कि हम मैकेनिकल वाले सेक्शन को पढ़ाएंगे। अब आगे आने वाली क्लासों में हम पहला चैप्टर यानी सोर्स ऑफ एनर्जी से पढ़ाना शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।